यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर सिरसा से, जहां पर नगर परिषद के पार्षदों ने नगर परिषद की चेयरपर्सन शीला सहगल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 31 पार्षदों में से 21 पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। 21 पार्षदों में से 4 कांग्रेस, 5 हरियाणा लोकहित पार्टी और 12 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। सभी पार्षदों ने चेयरपर्सन शीला सहगल पर शहर में विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया है। पार्षदों ने शीला सहगल को हटाकर नया प्रधान चुनने की मांग की है, तो वहीं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। पार्षदों की इस कार्रवाई से नगर परिषद की चेयरपर्सन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनका आरोप है कि सरकार समान विकास का दावा करती है, लेकिन उनकी ही पार्टी की चेयरपर्सन ने सिरसा में समान विकास नहीं करवाया है। सभी पार्षदों ने एकजुट होकर आज उपायुक्त प्रभजोत सिंह को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा और चेयरपर्सन शीला सहगल को हटाने की मांग की।